क्या आप जानते हैं कि पंजाब में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने पुलिस के रातों की नींद उड़ा दी। वहां के प्रशासन ने केस के पीछे दिन रात एक कर दिया। एक ऐसा घर जिसका रसूख पूरे शहर में था, यहीं इसी घर में एक के बाद एक दो भयानक वारदातें होती हैं। कातिलों ने इस तरह से कत्ल को अंजाम दिया कि उनमें से एक तो सुलझ गया लेकिन दूसरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं रीमा जैन और इनके पति सुनील जैन केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब राज्य के लुधियाना शहर से। यहीं के माल रोड पर पौश इलाके में एक घर था जहां पर जैन फैमिली रहा करती थी। ये फैमिली लुधियाना के सबसे बड़े और अमीर घरानों में आती थी। इलाके में काफ़ी अच्छा रसूख था। घर में एक माँ रीमा जैन और इनके तीन बच्चे, दो बेटे और एक बेटी रहा करती थीं। बेटों का नाम था भानु प्रताप जैन और भरत जैन और बेटी का नाम था भानवी जैन। इस घर के लोग धीरे धीरे एक बहुत बड़े दुख से उबर रहे थे। वो दुख था बच्चों के पिता और रीमा जैन के पति सुनील जैन की मृत्यु का। इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। सुनील जैन ही पहले अपने बिजनेस को संभाला करते थे। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इसके अलावा भी इनके कई बिजनेस थे, लेकिन 2002 में इनकी मृत्यु के बाद 2005 तक इनकी पत्नी ने सारा बिजनेस संभाल लिया। साथ ही अपना घर भी देखती थी, बच्चों का ध्यान भी रखती थी। बड़े बेटे भानु प्रताप तो लगभग 20 साल के हो चुके थे और ये बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे। ये 2005 का साल चल रहा था। पिता की मृत्यु को लगभग 3 साल हो चुके थे। धीरे धीरे जैन फैमिली का जीवन भी पटरी पर आने लगा। ये लोग दुख से उभरने लगे। रीमा जैन भी अपने पति के नक्शे कदम पर चल रही थीं, अच्छे से बिजनेस को संभाल रही थीं। साथ ही साथ ये सोशल वर्कर भी थीं, तो लोगों की मदद भी करती थीं। रीमा जैन की उम्र केवल 40 साल थी। इन्हें फिटनेस का भी बहुत शौक था। ये इसके लिए एक्सरसाइज करने, स्विमिंग करने के लिए एक क्लब में जाती थीं, सतलज क्लब। रीमा रोज सुबह स्विमिंग करने के लिए इसी क्लब में जाती थीं और 9 बजे तक वापस लौट आती थीं। फिर ये अपना ऑफिस और घर वगैरह संभालती थीं। इनका यही रोज का रूटीन था। ऐसे ही 30 जुलाई 2005 का दिन आता है। सुबह सुबह का समय था, सूरज निकल रहा था। रोज की तरह रीमा जैन भी अपने रूटीन को फॉलो करते हुए सुबह में सतलज क्लब के लिए निकलती हैं। ये अपनी कार होंडा अकॉर्ड से निकली, रोज की तरह ड्राइव करते हुए। चूंकि कुछ साल पहले ही पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद से बच्चों का ध्यान रीमा को ही रखना पड़ता था। ये कहीं भी आती जाती तो अपने बच्चों को बता कर जाती थी ताकि वो परेशान ना होने लगें। आज के दिन भी इन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया कि मैं सतलज क्लब जा रही हूँ, 9 बजे तक वापस लौट आऊंगी। अब धीरे धीरे 9:30 बजता है, 9:30 बजता है, रीमा घर नहीं लौटती हैं। भानु प्रताप को अपने माँ की चिंता हुई। इन्होंने कॉल किया पर माँ का फोन बंद था। इसके बाद बेटे घर से किसी को लेकर सतलज क्लब जाते हैं अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए। बेटे ने ध्यान दिया कि क्लब के पार्किंग एरिया में माँ की कार खड़ी नहीं है। क्लब के स्टाफ ने भी बताया कि रीमा जी तो 9 बजे ही यहाँ से जा चुकी थीं। ये सुनकर बेटे की टेंशन और भी बढ़ती है। आखिर माँ क्लब के बाद कहाँ जा सकती हैं। लगा कि उन्हें ऑफिस का कुछ काम याद आ गया होगा, वहीं चली गई होंगी। इसके बाद बेटे ने ऑफिस में फ़ोन लगाया, वहाँ पर भी माँ नहीं आई थीं। अब क्या, क्लब से तो वो निकल चुकी, ना तो घर आई और ना ही ऑफिस गईं, फिर कहाँ जा सकती हैं। माँ के इस तरह गायब होने से बेटे के जहन में अपने पिता की कुछ पुरानी चीज़ें घूमने लगती हैं जिसे ये याद नहीं करना चाहते थे। आज से करीब 3 साल पहले पिता सुनील जैन के साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। वो अपने टाइम से घर नहीं लौटे, फिर माँ ने ऑफिस में पता किया। जब ये पता कर रही थी तो उस वक्त सुनील अपने ऑफिस से निकल चुके थे। इसके बाद अपने पति की तलाश में रीमा घर से निकलती हैं। रास्ते में ही सुनसान जगह पर सुनील की गाड़ी मिली। गाड़ी के अंदर सुनील रक्त में पड़े हुए मिलते हैं। किसी ने इन पर गोलियां चलाई थीं। काफ़ी देर के बाद रीमा यहां पर पहुंची थीं। फौरन इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, शरीर से रक्त ज़्यादा गिर चुका था। अगर थोड़ी देर पहले लाते तो बचने की संभावना थी। इसके बाद यहां पर पुलिस आती है। फोकल पॉइंट पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। चूंकि सुनील को गोलियां लगी थीं, इससे पुलिस ने सोचा कि किसी दुश्मनी या आपसी रंजिश का मामला होगा। पुलिस ने सबसे पूछताछ शुरू कर दिया। घर वालों से पूछा कि सुनील अपने बिजनेस के अलावा और कौन कौन से काम करते थे, इनके दुश्मन कौन हो सकते हैं। ये भी पता करते हैं कि सुनील कुछ गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व थे या नहीं। इनके ऊपर कोई अकेला आदमी हमला नहीं कर सकता, कई लोग रहे होंगे, ये किसी गैंग का काम होगा। घर वालों ने बताया कि सुनील तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, पारिवारिक शख्स थे। इनका ना तो किसी गुंडे से संबंध था और ना ही ये कोई गलत काम करते थे। क्या पता कि इनके राइवल बिजनेस के लोगों ने कुछ करवाया हो। पुलिस इसके बारे में छानबीन करती है। ये भी देखा गया कि सुनील की मृत्यु से आखिर कितने लोगों का बिजनेस तेजी पकड़ेगा, कितने लोगों को फायदा होगा, शायद ये लोग कत्ल में इन्वॉल्व हों, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सुनील की पत्नी रीमा जैन और कुछ करीबी लोगों से पुलिस ने कहा कि आप लोगों को जिन जिन लोगों पर शक है उनकी लिस्ट बनाइए। रीमा जैन ने लिस्ट तैयार की। इसमें कई बिजनेस राइवल के लोग थे, कुछ स्टाफ मेंबर थे जिनसे सुनील की कहा सुनी हुई थी, कुछ रिश्तेदार वगैरह भी थे।
साथ ही साथ सुनील के बड़े भाई अनिल जैन का भी नाम था। अनिल जैन भी एक बिजनेसमैन थे। इनका रियल एस्टेट और टेक्सटाइल का बिजनेस था। लुधियाना के शेरपुर खुर्द गांव में अरनाथ टेक्सटाइल मिल नाम से अनिल की फैक्ट्री थी। वैसे अनिल जैन को लोग मिक्की जैन के नाम से भी जानते थे। रीमा जैन के द्वारा बनाई गई संदिग्धों की लिस्ट पुलिस ले लेती है। इस लिस्ट में मेंशन किए गए नामों का बैकग्राउंड निकाला जाता है। इनके कॉन्टैक्ट्स देखे जाते हैं। आखिर ये लोग ऐसे कौन से लोगों से मिलते हैं या संबंध रखते हैं जिनका पुलिस में रिकॉर्ड हो। बारी बारी करके लोग इस लिस्ट से हट रहे थे। इन सभी लोगों में बस एक ही नाम बचता है जिनके कॉन्टैक्ट में कुछ क्रिमिनल्स थे। वो नाम था सुनील जैन के बड़े भाई अनिल जैन उर्फ मिक्की का। ये इंसान खुद भी इलीगल कामों में इन्वॉल्व था, जैसे कि काले धन को सफ़ेद करना यानी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। पुलिस ने सोचा कि कहीं इसी ने तो नहीं अपने भाई का कत्ल करवा दिया। इसके अपराधियों से कॉन्टैक्ट्स भी हैं। पुलिस शक के आधार पर मिक्की को उठा लेती है। इसने बोला कि इसका अपने भाई के कत्ल में कोई हाथ नहीं है, इसको फंसाया जा रहा है। आगे सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। ये सारी चीज़ें 2002 से 2005 के बीच में चल रही थीं। सबूतों के अभाव में अनिल इस केस से बरी हो जाता है। इसके बाद रीमा ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। यहाँ से भी इनके जेठ मिक्की जैन बरी हो गए। इनका अपने भाई के कत्ल में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब रीमा जैन के वर्तमान टाइम में आए तो पुलिस सुनील जैन केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, असली कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। यहाँ 30 जुलाई 2005 को रीमा घर से क्लब आई, स्विमिंग किया, फिर क्लब से निकल गईं, लेकिन ये घर नहीं पहुंची। घर पर रीमा की फैमिली बहुत परेशान थी। सुनील के साथ हुए हादसे अभी भी ये लोग भूले नहीं थे कि अब रीमा लापता हो गई। इनके 20 साल के बेटे भानु प्रताप के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ से, रिश्तेदारों से, जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स थे, सभी लोगों से जहाँ जहाँ पर माँ जाती थी वहाँ जाकर पता किया। चारों तरफ देखा गया लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे शाम हो जाता है, रीमा अभी तक घर नहीं आई। इसके बाद बड़े बेटे भानु प्रताप जैन लुधियाना के डिवीज़न 5 पुलिस स्टेशन में अपनी माँ रीमा जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। चूँकि इससे पहले भी जैन परिवार में एक घटना घटित हो चुकी थी, उसकी तफ्तीश भी चल रही थी, इसलिए इस केस को भी सीरियस लिया जाता है। शहर के SP ने ये केस अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बार इन्हें कोई चांस नहीं लेना था। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। बेटे ने बताया कि इसके ताऊ यानी अनिल जैन से माँ का विवाद चल रहा था, झगड़े चल रहे थे बिजनेस वगैरह को लेकर। घर में कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी ये बात कन्फर्म की, पर ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। जैसा कि आम घरों में होता है वैसा ही था। अब ये हुआ कि अनिल जैन ने ही कुछ किया होगा। 31 जुलाई 2005 तक पुलिस मिक्की जैन के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करती है। इसके बाद इसे इसके घर लुधियाना के पखोवल रोड पर मौजूद प्रीमियम अपार्टमेंट से उठाया जाता है। मिक्की से पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। इसने कहा कि इसका भाभी के किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है, भले ही इनके बीच विवाद चल रहा हो, लेकिन इतना भी नहीं था कि ये सब करना पड़े। पहले भी मुझ पर झूठे इल्जाम लग चुके हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। करीब 3 दिनों तक पूछताछ चलती रही, फिर 2 अगस्त 2005 तक इसे छोड़ दिया गया। इधर चूंकि रीमा अपनी होंडा अकॉर्ड कार से निकली थी, ना तो वो मिल रही थी और ना ही उनकी गाड़ी। इसके बाद पुलिस ने रीमा जैन की गाड़ी का नंबर हर पुलिस स्टेशन में फ्लैश कर दिया। सभी टोल नाकों पर हाई अलर्ट जारी किया जाता है कि इस नंबर की गाड़ी मिले तो तुरंत सूचित करें। यही नहीं, लुधियाना पुलिस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों में भी कार का नंबर फ्लैश कर दिया। अगर गाड़ी पंजाब राज्य में नहीं है तो पड़ोसी राज्यों में जरूर मिलेगी। ये करने के बाद पुलिस ने रीमा जैन के दुश्मनों का पता लगाना शुरू किया। इनके राइवल बिजनेसमैन, दोस्त, परिवार, जानने वाले, बिजनेस स्टाफ, जिस क्लब में ये जाती थी वहाँ के लोगों से, हर तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला। किसी से कोई दुश्मनी का सवाल भी नहीं था। रीमा एक सोशल वर्कर थीं, लोगों की मदद करती थीं। इनका स्वभाव भी अच्छा था। परिवार में ना तो सुनील जैन को पैसों का घमंड था और ना ही रीमा जैन को। रीमा जैन के गायब होने और किडनैप होने जैसी खबरें न्यूज़ में चलने लगीं, अखबारों में भी छपने लगीं। ये भी था कि अगर मिक्की ने अपनी भाभी के साथ कुछ नहीं किया तो कोई बाहर वाला होगा, अगर उसने पैसों के लिए किडनैप किया तो ज़रूर फिरौती का कॉल आएगा। घर वाले इसके भी इंतज़ार में थे। छानबीन और पूछताछ में हफ्तों बीत जाते हैं, किसी ने रैंसम का कॉल नहीं किया। उधर गाड़ी का नंबर फ्लैश था ही। 16 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इनकी ड्यूटी इंटरनेशनल साइट के एक पार्किंग एरिया में लगी थी। 16 अगस्त को कांस्टेबल यूं ही अपना गाड़ियों पर निगरानी रख रहे थे और टहल रहे थे, तभी अचानक इनकी नज़र पार्किंग एरिया में एक गाड़ी पर पड़ी। ये होंडा अकॉर्ड गाड़ी थी। चूँकि रीमा जैन की कार और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फ्लैश था, इस वजह से यहाँ एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में जब कांस्टेबल ने होंडा अकॉर्ड गाड़ी देखी तो इन्हें रीमा जैन की खबर याद आती है। तुरंत इन्होंने गाड़ी का नंबर चेक किया, ये गाड़ी का नंबर मैच कर रहा था। इसके बाद कांस्टेबल ने अपने बड़े ऑफिसर्स को इसकी खबर दी। ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ये लोग रीमा जैन के गाड़ी की सारी डिटेल्स लेकर आए थे।
इन्होंने भी पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी को देखना शुरू कर दिया, मैच करने लगे। गाड़ी का नंबर मैच हो रहा था, साथ ही साथ गाड़ी का कलर, मॉडल सब कुछ मिल रहा था। फिर दिल्ली पुलिस लुधियाना पुलिस को गाड़ी की खबर देती है। खबर सुनकर लुधियाना पुलिस भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। इनके साथ जैन परिवार के कुछ लोग और बेटे भी आए हुए थे गाड़ी की पहचान करने के लिए। गाड़ी सच में रीमा जैन की ही थी, जिसे लेकर ये 30 जुलाई की सुबह निकली थी। आखिर ये गाड़ी यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट पर कैसे आई? ये गाड़ी कोई संदिग्ध हालत में भी नहीं थी, इसकी बॉडी पर कोई डेंट वगैरह भी नहीं था। बाकायदा गाड़ी की पार्किंग स्लिप लेकर इसे पार्क किया गया था। पर्ची काटने वाले ने बताया कि इसे याद नहीं है कि गाड़ी किसने पार्क की है। रोज सैकड़ों लोग यहाँ पर आते जाते हैं। इसके बाद गाड़ी की तलाशी ली जाती है। इसमें से रीमा जैन का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बरामद होता है, जिसे लेकर रीमा क्लब जाती थी। इससे लुधियाना पुलिस ने थ्योरी निकाली कि रीमा अपनी गाड़ी लेकर क्लब गई, वहां अपना जो काम करना था वो किया, उन्हें कोई इमरजेंसी खबर मिली होगी, फिर ये लुधियाना से दिल्ली आई, एयरपोर्ट से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर विदेश चली गई। चूंकि ये विदेश गई तो वहां इंडियन नंबर काम नहीं कर रहा होगा, इसीलिए सिम बंद हो गया। पुलिस गाड़ी को जब्त करके लुधियाना ले आती है। वापस से घर वालों से पूछताछ होता है, आखिर उनके विदेश में किन किन लोगों से जान पहचान है, वो विदेश में कौन सी जगह पर जा सकती हैं, किससे उनकी करीबी जान पहचान होगी। इसी समय रीमा जैन के रूम की तलाशी भी ली जाती है, शायद यहाँ से उनके विदेश जाने का कोई क्लू मिल जाए। इसी दौरान रीमा के अलमारी से इनका पासपोर्ट बरामद होता है। अगर पासपोर्ट यहाँ पर है तो रीमा विदेश नहीं गई होंगी। पुलिस की ये थ्योरी फेल हो गई। लगा कि किडनैप करने वाले गुंडों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी एयरपोर्ट पर खड़ी कर दी। जरूर रीमा को उन लोगों ने दिल्ली में ही कहीं रखा होगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस भी अपनी खोजबीन शुरू कर देती है। दोनों स्टेट की पुलिस पर मीडिया का प्रेशर था। मामला हाई प्रोफाइल था तो पॉलिटिकल प्रेशर, परिवार वालों का प्रेशर, बड़े बड़े ऑफिसर्स का प्रेशर, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम पर प्रेशर का भी कोई कसर नहीं छूटा। अगर रीमा की किडनैपिंग हुई तो रैंसम का कॉल आना चाहिए था। महीनों गुजर गए, कॉल नहीं आया। पुलिस को कहीं से कोई लावारिस शव भी नहीं मिला। पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया था। वो लोग भी शहर के गुंडे मवालियों से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी खोजबीन की, लेकिन वहां से भी रीमा जैन का कुछ पता नहीं चला। समय बीत रहा था। धीरे धीरे दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर 2005 में लुधियाना पुलिस के पास किसी मुखबिर के जरिए इन्फॉर्मेशन पहुंची कि रीमा जैन का कत्ल हो चुका है। उनको मारने की सुपारी दी गई थी। ये सुपारी 25 लाख रुपए में तय हुई थी। आखिर मुखबिर के पास ये खबर कैसे आई, किसने दी? पुलिस ने इसका पता लगाया। पता चला कि माखन सिंह नाम का एक गुंडा है जो जेल में कैद है। उसके किसी साथी ने उसे जेल में बताया। उस वक्त वो साथी भी जेल में कैद था, तभी उसके पास कत्ल की सुपारी आई थी। बातों बातों में उसने अपने दोस्त माखन सिंह को ये बात बता दी थी। देखा जाए तो यहाँ पर माखन सिंह बहुत अहम शख्स था, एक तरह से ये चश्मदीद गवाह भी था। इसके अलावा किसी को नहीं पता था कि वो कांड किसने किया है। इसके ही जरिए सुपारी की बात पता चली। दिसंबर 2005 में ही पुलिस माखन सिंह के बारे में पता लगाना शुरू करती है। जिस जेल में ये कैद था वहां पर देखा जाता है। सामने आया कि पिछले महीने यानी नवंबर में ही उसे बेल मिल गया था, वो जेल से बाहर चला गया है। आगे पता चला कि जब वो जेल से बाहर निकला तो उसके कुछ दिनों के बाद ही अलीवल नामक गांव के पास चार लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया। इन सभी चीज़ों से लगा कि जरूर इन कत्लों के पीछे कोई बड़ा गैंग होगा। एक ही इन्फॉर्मेशन मिली थी जो गवाह बन सकता था, उसका ही कत्ल हो गया। इस घटना से पुलिस के दिमाग में आया कि आज से करीब 3 साल पहले जो सुनील जैन के साथ हुआ, कहीं उसमें भी तो इन्हीं गुंडों का हाथ नहीं? जिस तरह से माखन सिंह का कत्ल हुआ उसी तरह से सुनील जैन का भी हुआ था, बीच रोड पर गोलियां चलाकर। रीमा जैन केस के शुरू शुरू में ही पुलिस ने उनके जेठ अनिल जैन से पूछताछ की, पर कोई भी सुराग नहीं मिला। खबर मिली थी कि इनकी अपने भाभी से नहीं बनती थी। सुनील जैन के कई सारे बिजनेस थे। अनिल जैन ने सोचा कि छोटे भाई की मृत्यु के बाद कौन उनका बिजनेस संभालेगा, उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अनिल को लगा कि इनकी भाभी कुछ बिजनेस इन्हें संभालने को देंगी। इनके अलावा खानदान में कुछ और लोग भी थे, वो लोग भी आगे आए बिजनेस संभालने के लिए। रीमा जैन ने सबके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अकेले ही सब कुछ संभालने का फैसला करती हैं। साथ में ही अपना घर भी देखती थी, बच्चों का ध्यान भी रखती थी। दो बच्चे तो बहुत छोटे थे, बड़ा बेटा थोड़ा समझदार था। पुलिस ने सोचा कि यही जो लोग बिजनेस लेने के लिए आए इनमें से ही किसी ने सुपारी दी होगी। एसपी ने इन्हीं करीबी लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। इनके फोन्स को ट्रैक किया जाता है, पास रिकॉर्ड देखे जाते हैं, किनसे ये लोग कॉन्टैक्ट में हैं, कौन कौन क्रिमिनल हैं। अनिल जैन के कॉल रिकॉर्ड से सामने आया कि जिस दिन रीमा गायब हुई उस दिन और उसके कुछ दिन पहले अनिल ने 2-3 लोगों से बात की थी। जिनसे इसने बात की थी वो लोग क्रिमिनल्स थे। इसी में से एक था जसबीर सिंह। इसका नाम पता चलते ही मुखबिरों के जरिए खबर निकली कि रीमा के लापता होने के कुछ दिन पहले ये आदमी यानी जसबीर सिंह सतलज क्लब के बाहर घूमते हुए दिखा था। अनिल जैन के जानने वाले अपराधियों में एक ऐसा था जिसे माखन सिंह की दोस्ती थी। वापस से पुलिस की थ्योरी निकलती है कि अनिल उर्फ मिक्की ने जसबीर को सुपारी दी अपने भाभी का कत्ल करने की। जसबीर की गैंग ने सुपारी ले ली। गैंग जेल में कैद था, इसी जेल में माखन सिंह भी रहा होगा।
जसबीर के गैंग के किसी ने माखन सिंह को सुपारी के बारे में बता दिया, जिससे मुखबिर तक ये बात पहुंचती है और फिर पुलिस तक पहुंची। लेकिन पुलिस जसबीर और इसके साथियों को किस आधार पर उठाए? चूंकि ये गुंडे बदमाश थे, कोई ना कोई केस थाने में दर्ज हो गया। पुलिस ने इसी बारे में पता करना शुरू किया। अनिल जैन तीन लोगों को जानता था, जसबीर सिंह, कुलदीप सिंह ये ड्राइवर था, और तरसेम सिंह। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ केसेस ढूंढने शुरू किए। कुछ वसूली और गुंडागर्दी के केसेस सामने आते हैं। फिर पुलिस जसबीर, कुलदीप और तरसेम को उठा लेती है। जिस केस के लिए इन्हें उठाया गया उससे हटकर रीमा जैन केस के बारे में इनसे पूछते हैं। पुलिस ने अपने तरीके से इनसे बात की, ये गुंडे टूट जाते हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि रीमा जैन का कत्ल इन्होंने किया है और अनिल जैन के कहने पर किया। 25 लाख रुपए में डील हुई थी, जिसमें से 10 लाख एडवांस में दिए गए। 16 फरवरी 2006 तक अनिल जैन उर्फ मिक्की को भी पुलिस उठा लेती है। इससे नरमी दिखाकर बहुत पूछताछ हो चुकी थी, अब थोड़ी कड़ाई दिखाकर बात किया जाता है। इसने भी स्वीकार कर लिया कि रीमा का कत्ल इसके ही कहने पर हुआ। अब इसने पूरी कहानी सुनाई और साथ में शव कहाँ पर ठिकाने लगाया वो भी बताया। अनिल जैन घर का आदमी था तो ये जानता था कि रीमा कब अकेली मिलेंगी। सतलज क्लब में रीमा जैन जब स्विमिंग करने के लिए जाती हैं तो ये अकेले जाती हैं, इनके साथ कोई भी नहीं होता है, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं। 30 जुलाई 2005 की सुबह जसबीर, कुलदीप और तरसेम सिंह तीनों सतलज क्लब के बाहर रीमा का इंतजार करते हैं। रीमा जब स्विमिंग करने के बाद क्लब से बाहर आई और अपने सामान को गाड़ी में रखकर बैठने ही वाली थी, तभी ये तीन बदमाश रीमा को अपनी कार में बैठाकर ले जाते हैं। इनमें से एक था कुलदीप सिंह, ये रीमा की गाड़ी को चला रहा था। कहीं कहीं पर लिखा है कि रीमा को उन्हीं की कार में किडनैप किया गया। खैर, यहाँ पर दो गाड़ियाँ थीं, एक रीमा की और दूसरी अनिल की, जिसे ये तीन बदमाश यूज़ कर रहे थे। ये भी था कि शहर में सभी लोग रीमा को जानते हैं, इन्हें कहीं पर भी लेकर जाएं लोग पहचान लेंगे। इसका भी सलूशन निकला कि अनिल जैन अपनी फैक्ट्री में इस काम को अंजाम देंगे। वो तीनों बदमाश रीमा को लेकर अर्नस्ट टेक्सटाइल फैक्ट्री में आए, जो शेरपुर खुर्द गांव में था। अनिल यहां पर सबका इंतजार कर रहा था। रीमा को फैक्ट्री लाया गया। चूंकि ये सुबह सुबह का समय था तो फैक्ट्री के स्टाफ भी नहीं आए थे, इलाका भी सुनसान था, चहल पहल भी नहीं थी। सबसे पहले तीनों बदमाश और अनिल रीमा जैन को टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं। इन्होंने डरा धमका कर पहले कुछ कागजों पर साइन करवाए, इसमें बिजनेस और प्रॉपर्टी से जुड़े कागज थे। साइन कराने के बाद फिर से मारपीट हुआ। फिर रीमा को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वैसे ये इंसुलिन के इंजेक्शन डायबिटीज पेशेंट को दिए जाते हैं, जिनका शुगर लेवल हाई होता है। इंसुलिन के शॉट से हाई शुगर लेवल को लो करके नॉर्मल पर लाते हैं। ये एक तय मात्रा में दिया जाता है, अगर ज़्यादा दिया तो शुगर लेवल बहुत लो हो जाएगा, जान खतरे में पड़ सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसे डायबिटीज़ नहीं है उसे इंसुलिन दिया तो क्या होगा। यहाँ पर रीमा डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं थी, इसको इंसुलिन दिया जाता है ताकि इसका शुगर लेवल कम हो और इसकी मृत्यु हो जाए। जब पुलिस शव को बरामद करे और पोस्टमार्टम हो तो मृत्यु का कारण लो शुगर लेवल आए, जिससे मृत्यु नेचुरल लगे, ना कि कोई कत्ल। इन्होंने रीमा को इंसुलिन के 4 शॉट्स दिए। थोड़ी ही देर में रीमा की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे फैक्ट्री में वर्कर्स के आने का टाइम होने लगा। इन्होंने रीमा के शव को फैक्ट्री के स्टोरेज एरिया में छिपा दिया। इसी में ड्राइवर कुलदीप था, इसको रीमा की गाड़ी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्क करने को कहा और ये अच्छे से पार्किंग स्लिप लेकर पार्क करेगा ताकि पुलिस कन्फ्यूज हो जाए कि रीमा विदेश चली गई हैं। कुलदीप ऐसा ही करता है। बाकी लोग भी अपने अपने घर लौट गए। फिर अगले दिन रीमा के शव को फैक्ट्री के गटर में फेंक दिया जाता है, जिससे शव सेप्टिक टैंक में चला गया। ये सब सच्चाई बाहर आने के बाद अनिल जैन पुलिस को उस टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले जाता है। पुलिस को शव बरामद करना था। पुलिस ने अपने साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम को ले लिया। मजिस्ट्रेट को इसलिए साथ लिया गया ताकि कल को कोई सवाल ना उठाए कि पुलिस ने कहीं और से शव को बरामद किया और बेकार में ही अनिल को टारगेट कर रही है। फैक्ट्री के अंदर अनिल ने खुद सेप्टिक टैंक के ऊपर पड़े प्लाईवुड और बाकी चीज़ों को हटाया, साफ किया। फिर पुलिस के साथ आए कर्मचारी सेप्टिक टैंक के अंदर जाकर तलाशना शुरू करते हैं। चूंकि कांड 6 से 7 महीने पहले हुआ था, इसलिए शव डिकम्पोज हो चुका होगा, केवल हड्डियां ही बची होंगी। शव की पहचान के लिए रीमा जैन के बड़े बेटे को भी बुलाते हैं। सेप्टिक टैंक के अंदर से हड्डियों का एक कंकाल बरामद होता है, इसे पहचानना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा सफ़ेद पेन, चप्पल और कढ़ाई किए हुए कुछ कपड़े मिलते हैं। कढ़ाई की डिज़ाइन से बेटे ने पहचान लिया कि उस दिन माँ यही कपड़े पहनकर घर से निकली थी। ये 16 फरवरी 2006 का दिन चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों की जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि हड्डियों के स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम कैसे करें। फिर भी इन्होंने पोस्टमार्टम किया। इसमें खोपड़ी पर कुछ निशान मिले, लगा कि किसी भारी भरकम चीज़ से सर पर वार किया गया होगा। ये भी था कि हड्डियां रीमा जैन की है भी या नहीं। फिर रीमा की माँ और बड़े बेटे भानु प्रताप के रक्त के सैंपल लिए जाते हैं डीएनए जांच कराने के लिए। इन सैंपल्स को चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब भेजा गया। यहाँ पर डीएनए 100% मैच हो जाता है। इसके बाद रीमा जैन के चेहरे की फ़ोटो और बरामद हुए स्कल का सुपर इम्पोजिशन टेस्ट होता है। इसमें भी स्कल की बनावट रीमा जैन से मिल रही थी। रीमा के कत्ल से 4 महीने पहले इन्होंने 4 दांतों की जगह आर्टिफिशियल फिलिंग कराई थी।
वो फीलिंग भी स्कल के जबड़े में मौजूद थी। जिस डॉक्टर ने ये फीलिंग की थी वो भी ये कन्फर्म करते हैं। 18 फरवरी तक अनिल के गैराज से वो गाड़ी भी बरामद हुई जिसे गुंडों ने किडनैपिंग में यूज़ किया था। 19 फरवरी 2006 तक जसबीर के घर से रीमा की सोने की अंगूठी और एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। इस पर रीमा का एड्रेस लिखा हुआ था। इसी दिन कुलदीप सिंह के घर से रीमा जैन की इम्पोर्टेड रिस्ट वॉच और उनकी फ़ोटो मिलती है। 27 फरवरी तक रीमा की माँ और बड़े बेटे के डीएनए सैंपल से रीमा की हड्डियों का डीएनए टेस्ट हुआ। 14 अप्रैल 2006 तक पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। इसमें अपराधियों के ऊपर आईपीसी की धारा 302, 201, 404, 364, 329, 354, 120B और 34 लगती है। अनिल जैन का मोटिव बताया गया कि उन्हें अपने छोटे भाई के कत्ल में झूठा फंसाया गया। एक साल तक इसे झूठे आरोप में जेल में कैद होना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, जबकि इसने तो वो क्राइम किया भी नहीं था। इसके अलावा छोटे भाई के प्रॉपर्टी और बिजनेस का भी लालच था। साथ ही साथ भाभी से बदला भी लेना था क्योंकि उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। 2012 तक 34 गवाहों, 4 आरोपियों की ओर से गवाहों, सबूतों, सब कुछ देखने सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 26 नवंबर 2012 को कोर्ट ने अपने 62 पेजेस के जजमेंट रिजर्व रखे। फिर 3 दिसंबर को फैसला सुनाया। अनिल जैन उर्फ मिक्की जैन, जसबीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह को उम्र कैद की सजा हुई। यही दोषी तरसेम और कुलदीप के घर वालों ने बोला कि इनके बेटे निर्दोष हैं। फैसले को ये लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कुलदीप के मामा ने कहा कि कुलदीप तो केवल ड्राइवर था, इसने रीमा की गाड़ी को बस दिल्ली ले जाकर पार्क किया था, ये निर्दोष है। रीमा के बड़े बेटे भानु प्रताप भी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, ये भी हाई कोर्ट जाएंगे। इन्होंने अकेले ही अपनी बहन और भाई का ख्याल रखा। इन्होंने बताया कि जब ये रात को डर कर उठते थे तो इन्हें संभालने वाला कोई भी नहीं था। कैसा लगेगा जब अपनी ही माँ की खोज में सेप्टिक टैंक के पास आना पड़े, यहीं से उनके कपड़े और चप्पल मिले। इनका दिल आज भी सोचकर दहल जाता है। फिलहाल हाईकोर्ट में रीमा जैन का केस चल रहा है। सुनील जैन के कत्ल की गुत्थी आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। 2012 तक भानु प्रताप की शादी हो चुकी थी और इनका एक बेटा भी था। उसके 4 साल पहले ही इनके बहन की भी शादी हो चुकी थी। उस वक्त छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे। आज 2023 में इनकी भी शादी हो चुकी होगी। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।